अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह चौहान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अनिल सिंह का प्रदेश आगमन पर उन्नाव स्टेशन पर अपने पदाधिकारियों के साथ में स्वागत किया। तत्पश्चात सभी पदाधिकारी स्वर्गीय नरेंद्र पाल सिंह सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक कुंडा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता, समाज सेविका अपर्णा यादव, प्रतीक यादव, विधायक अनिल सिंह पुरवा, ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह, विधायक शैलेंद्र सिंह शैलू, अरविंद सिंह गोप सहित शोकुल परिवार वान जन प्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह चौहान ने बताया कि नरेंद्र पाल सिंह जी ने जिस प्रकार से सामाजिक सेवा की वो हमारे लिए अनुसरणीय है। वो क्षत्रिय महासभा की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम सबके मार्गदर्शक भी थे। कार्यक्रम के आयोजक प्रखर सिंह ने बताया कि हमारे बाबूजी आज भी हमारे बीच हम सबको महसूस होते हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश महामंत्री, प्रीति ठाकुर प्रदेश अध्यक्षा, प्रशांत सिंह नगर जिला अध्यक्ष कानपुर, अजय भदौरिया जिला अध्यक्ष जालौन, यशवर्धन सिंह चौहान जिला अध्यक्ष उन्नाव, उमेश प्रताप सिंह जिला महामंत्री उन्नाव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्षत्रियों को एक करने का उद्देश्य तो हमेशा ही एमपी सिंह जी अपने साथ लेकर के चलते ही रहे हैं और ये उद्देश्य क्षत्रिय महासभा का हमेशा से रहा है, लेकिन आज इन सवालों के जवाब कभी और दिए जाएंगे। आज तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं दिवंगत आत्मा को और शोकाकुल परिवार है, उसके साथ हमारी संवेदनाएँ क्षत्रिय महासभा की। ये आज हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह जी के सुपुत्र माननीय अनिल सिंह जी हमारे साथ में हैं और आज मैं जिस कार्यक्रम में आया हूँ वो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े थे। वो हमारे वरिष्ठ जो है उपाध्यक्ष थे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उनकी अकस्मात मृत्यु होने के पश्चात हमारा जो क्षत्रिय संगठन है वो बहुत ही शोकाकुल है और मैं उनकी 13वीं में आज आया हूँ और शोकाकुल परिवार को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए, शोकाकुल परिवार को अपने संवेदना व्यक्त करने के लिए और उनकी मूर्ति पर जो है हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम आए हुए हैं।